हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीटी 2015 के अपर प्राइमरी लेवल के हिंदी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, नई कविता पत्रिका का संपादन कहाँ से आरंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है कोलकाता एंड फोर्थ है दिल्ली। तो 31 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 32, अयोग वाह कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विसर्ग को, सेकेंड है महाप्राण को, थर्ड है संयुक्त व्यंजन को एंड फोर्थ है अल्पप्राण को। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 9 इंच, सेकंड है 10 इंच, थर्ड है 11 इंच एंड फोर्थ है 12 इंच। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन 4, 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 34, तोड़ने ही होंगे मठ और गठ सब, किसकी पंक्ति है? फर्स्ट ऑप्शन है निराला, सेकंड है नागार्जुन, थर्ड है रघुवीर साय एंड फोर्थ है मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन 4, तोड़ने ही होंगे मठ और गठ सब मुक्तिबोध की रचना की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर में, सेकेंड है स्लाइड प्रक्षेपक, थर्ड है अपारदर्शी प्रक्षेपक या फिर एपेडियास्कोप एंड फोर्थ है फिल्म स्ट्रिप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन 1, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 36, मौन पाठन के विषय में धारणा है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, सेकंड है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, थर्ड है पढ़ने की धीमी ध्वनि फोटो से निकलती है एंड फोर्थ है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौन पाठन के विषय में धारणा है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 37, तदीय समाज की स्थापना किसने करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकंड है राजा राम मोहन राय, थर्ड है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड फोर्थ है केशव चंद्र सेन। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 38, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है तथ धन एव, सेकंड ऑप्शन है तथे धन एव, थर्ड है तथा धन एव एंड फोर्थ है तथा धन एव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, चरण कमल बंदों हरी राई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सेकंड है यमक, थर्ड है रूपक एंड फोर्थ है उपमा। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चरण कमल बंदौ हरी राय में रूपक अलंकार का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासुर के पासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त में छंद है, फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, सेकंड है चौपाई, थर्ड है सोरथा एंड फोर्थ है रोला। तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सोरथा। क्वेश्चन नंबर 41, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? फर्स्ट ऑप्शन है आकाशदीप, सेकंड है इंद्रजाल, थर्ड है गुंडा एंड फोर्थ है पुरस्कार। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 42, आधे अधूरी नाटक के रचनाकार है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है अमृतलाल नागर, सेकंड है मन्नू भंडारी, थर्ड है मोहन डाकेश एंड फोर्थ है निर्मल वर्मा। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आधे अधूरे का जो नाटक है वो मोहन राकेश के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे रचयिता में स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी थी आपको कि कौन सा वाला राइट है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44, कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? फर्स्ट ऑप्शन है भाववाचक, सेकंड है समूहवाचक, थर्ड है जातिवाचक एंड फोर्थ है व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का हमारा ऑप्शन 2, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, फर्स्ट है गोल, सेकंड है अधिक, थर्ड है नुकीला एंड फोर्थ है भीतरी। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिक। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सहायक क्रिया, सेकंड है प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड है नामबोधक क्रिया एंड फोर्थ है नाम धातु।
47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, यथाशक्ति में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड है तत्पुरुष, थर्ड है द्वंद्व एंड फोर्थ है अव्ययी भाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 49, अजात शत्रु में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकंड है द्वंद्व, थर्ड है कर्मधारय एंड फोर्थ है बहुव्रीहि। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रावण, सेकंड है अश्विन, थर्ड है पौष एंड फोर्थ है आषाढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन टू, अश्विन, जिसमें नवरात्रि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता है। फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन, सेकंड है दिनकर, थर्ड है अज्ञेय एंड फोर्थ है निराला। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, यह दिनकर के द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 52, लघुर्मी में कौन सी संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है अयादि स्वर संधि, सेकंड है दीर्घ स्वर संधि, थर्ड है वृद्धि स्वर संधि एंड फोर्थ है यन स्वर संधि। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 53, कपूर शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज एंड फोर्थ है विदेशज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, तद्भव। एक्चुअली यहाँ पे कपूर लिखा है इसलिए तद्भव हो रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे कर्पूर लिखा होता तो तत्सम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 54, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक बातें करना, सेकंड है बहुत कम बोलना, थर्ड है अपनी बात से पलट जाना एंड फोर्थ है बात मानना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं, फिर और किसी के पास जाएंगे तो वो अपनी बात से चेंज कर देंगे, बोलेंगे नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ अलग बता देंगे उनको। ठीक है, तो जो एक मुंह दो बात वैसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी और के सामने कुछ और फिर किसी और के सामने अपनी बातें चेंज करके कुछ दूसरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का सम मात्रिक छंद है। फर्स्ट है दोहा, सेकंड सोरठा, थर्ड है रोला एंड फोर्थ है चौपाई। तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 56, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल्यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? फर्स्ट है करुण, सेकंड है शांत, थर्ड है श्रृंगार एंड फोर्थ है वात्सल्य। तो 56 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 57, अंधा कुआं नाटक के लेखक है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहन डागे, सेकंड है विष्णु प्रभाकर, थर्ड है जगदीश चंद्र माथुर एंड फोर्थ है लक्ष्मी नारायण लाल। 57 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अंधा कुआं नाटक के लेखक श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? फर्स्ट है ई, सेकंड है एक, थर्ड है आ एंड फोर्थ है ई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, अजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है 1943, सेकंड है 1938, थर्ड है 1954 एंड फोर्थ है 1941। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, 1943। क्वेश्चन नंबर 60, उल्का सीरानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट है यमक, सेकंड है रूपक, थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड फोर्थ है उपमा अलंकार। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, रूपक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूपीटी 2015 के हिंदी के क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।